तो यार आप लोगों के इतने सारे कमेंट देख के मुझसे रहा नहीं गया दूसरा फोटो दिवाली का बनाए। तो भाई इतने सारे जब कमेंट आप लोगों के आए कि भाई दूसरा फोटो बना दिवाली का, दूसरा फोटो बना दिवाली का, तो भाई आज की इस वीडियो में हम दिवाली का बनाने वाले हैं सेकंड फोटो। एंड गाइज ये जो फोटो है दिवाली के 3D टेक्स्ट के ऊपर डिजाइन है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए यार आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार बार बार मत कहलवाया करो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड जो लोग चैनल के नए हैं भाई और भी लोग, इनसे कह के चैनल को सब्सक्राइब करवा दो एंड सभी लोग बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखिए इस फोटो को बनाने के लिए आपको अपना फोटो देखिए कुछ इस तरीके से खिंचाना है। बहुत ही ईजी पोज है, कुछ करना नहीं है, बस आपको जो दो पैर हैं उनको एक दूसरे से दूर रख के फोटो खिंचाना है। वो इसलिए ताकि जो हम अपने आप को दिवाली की एक ही जगह पर रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि ये बैकग्राउंड मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार देखो आप लोगों का रखवाला केवल मैं ही हूँ, क्योंकि अब दिवाली आ गई है, फोटो भी बनाना है ना इसलिए। तो देखिए भाई सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो ही गया, हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। तो भाई अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हम करेंगे क्या, हम इस बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स लगाएंगे जो कि पीछे हमारे होंगी, जिनमें दिवाली अच्छे से मन रही होगी। तो ऐड फोटो में यहाँ से क्लिक करेंगे एंड ये जो बिल्डिंग्स के PNG हैं ये आपको लिंक में मिल जाएंगे। और कुछ नहीं करना आपको, देखिए कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे, ये आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से कर दूंगा गाइस डन। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको दिवाली का जो है 3D टेक्स्ट PNG लेके आना है। एंड इसे आप यहाँ पर लगा देंगे देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखेंगे भाई इसमें एक गायब है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसकी पूर्ति हम ही यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ऐड फोटो पे जाऊंगा, यहाँ से इस मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा। और गाइस ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से मैं बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ आप वैसे ही करें, मैंने जो आपको तरीके बताए हैं आप उस तरीके से इरेज कर सकते हैं। या फिर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके इरेज पर यहाँ पर हार्डनेस इसकी बढ़ा दूँगा एंड बहुत ही पेशेंस के साथ मैं इसे इरेज करूँगा। तो तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइस हमारा बैकग्राउंड हो चुका है एकदम इरेज। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इसकी पोजीशन पे सेट करेंगे एकदम सही से। तो ये जगह इसके हिसाब से ठीक है। एंड गाइस इसे अब मैं इसमें थोड़े से इफेक्ट डाल दूंगा फेटल वगैरह के एंड स्किन स्किन को जो है स्मूथ कर दूंगा। सो मैं इन सारे स्टेप्स को फास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बेहद तरीके से आ गया होगा, क्योंकि आपने इसे कई बार कर लिया है। बाकी जिन लोगों को नहीं आता यार पिछली वीडियो देख लो कि ये कैसे होता है। सो गाइस इसके बाद मैं इस मॉडल के जो है एक हेयर PNG लगा दूंगा जो ठीक लगे इस फोटो को दिखने में। तो आपको ऐसे हेयर PNG और भी मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये हेयर PNG सेट हो जाए तो अच्छी बात है, या आपको हेयर PNG बनाने आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इसकी पोजिशन को सेट करूँगा एकदम एंड इसके बाद हम यहाँ से देखिए एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को है जो है हल्का सा बढ़ाएंगे ताकि फ़ोटो में क्लैरिटी आ जाए, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड क्लैरिटी बढ़ा देंगे हल्की सी, फोटो जो है बाल हल्के से डार्क हो जाए कुछ इस तरीके से। एंड गाइज इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइज अभी तक तो हमारी इतनी चीज़ें कंप्लीट। अब चलो लाइट्स का यहाँ पे इंतज़ाम करेंगे हल्का सा। तो आपको ये PNG जो है अपने सबसे पहले पूरे फोटो पे एकदम ऐसे लगा देना है एंड इसे आप ब्लेंड कर देंगे स्क्रीन, तो आप देखेंगे रॉकेट एंड हैप्पी दिवाली, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक से एडजस्ट हो गई हैं। एंड गाइस इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पे इसके बाद मैं एक स्मोक का PNG लगाऊंगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं इसे बड़ा कर लूँगा, हल्का सा नीचे करूँगा, ब्लेंड करके कर दूँगा स्क्रीन। तो ये एक तरीके से स्मोक का PNG है ताकि लगे कि भाई आगे पटाखे वगैरह जल रहे हैं, हाँ दिवाली मन रही है। मैं इसे गाइस यहाँ से कर दूँगा डन। अब डन करने के बाद जल्दी से आपको क्या करना है, जल्दी से आ जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड फोटो को कर देंगे सेव इमेज एंड इसे जल्दी से ओपन कर लेंगे लाइट रूम में। तो भाई मैं आ गया हूँ लाइट रूम में। तो इसके बाद जल्दी से करना है लाइट पे क्लिक, मिक्स पे ऑरेंज कलर की जो है आप देखेंगे लूमिनेंस बढ़ा देंगे, सैचुरेशन कर देंगे कम ताकि हमारा फ़ोटो मैच कर सके। एंड इसके बाद ब्लू कलर की ह्यू को करेंगे हल्का सा कम, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का कम करेंगे। एंड इसके बाद पिंक कलर की जो है सैचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड इसके बाद इस वाले कलर की भी आप सैचुरेशन यहाँ पर बढ़ा देंगे
एंड ब्लू कलर जो है इसकी भी लुमिनेंस हल्की सी यहाँ पे बढ़ा देंगे, इसे यहाँ से डन कर देंगे। इसके बाद फोटो में टेम्परेचर में बात करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर को एक या दो बढ़ाएंगे, टिंट को एक या दो घटाएंगे, वाइब्रेंस खूब सारी बढ़ा देंगे, सेचुरेशन करेंगे हल्की सी कम इस तरीके से। इसके बाद नीचे आ जाएंगे विग्नेट टूल में, फोटो की क्लैरिटी बढ़ा लेंगे, फोटो का विग्नेट कम कर लेंगे, फोटो का हल्का सा डिहेज मत कीजिएगा, बस हो सके तो उसे डिहेज को माइनस में कर लीजिए, इसके फोटो में एक लाइटनिंग आ जाएगी। इसके बाद दोबारा से आ जाएंगे यहाँ पे इस वाले टूल में, तो सबसे पहले फ़ोटो का कॉन्ट्रास्ट करेंगे हल्का सा कम कुछ इस तरीके से। इसके बाद फ़ोटो के जो हाइलाइट्स हैं उनको कम कर देंगे एंड शेडोज़ को हल्का सा बढ़ा देंगे। तो कॉन्ट्रास्ट को हमें हल्का सा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि हमने जब शेडोज़ को बढ़ा दिया है, वाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे एंड ब्लैक्स को हल्का सा कर देंगे कम। तो देखेंगे फ़ोटो अभी इस तरीके से बन चुका है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमारा फ़ोटो अभी यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे, देखेंगे सो ये पिक्सार्ट से बना था कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे आने से बना है कुछ इस तरीके से। एंड गाइस इसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे प्रीसेट में, एंड प्रीसेट में आने के बाद आप यहाँ पे क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएटिव में से आपको जो भी प्रीसेट अच्छा लगे अपने फ़ोटो के हिसाब से उसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे प्रीसेट हैं, दिवाली के हिसाब से देख सकते हैं ये वाला प्रीसेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद देख सकते हैं ये वाला प्रीसेट, एंड ये तो ठीक नहीं है, खैर तो एक डिसेचुरेट है, कूल लाइट है, तो मैं बताऊंगा कौन सा प्रीसेट ठीक लग रहा है इस फ़ोटो के लिए। तो गाइज आपको लगाना होगा एक तो ये वार्म कॉन्ट्रास्ट एंड एक ये देखिए रेड लिफ्ट, एंड इससे आप सोच रहे होंगे यार चेहरा भाई फ़ोटो देखो क्या कमाल का बन रहा है। तो भाई देखिए इस मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ आप ये वाले जो है इनको लगा सकते हो और भी फ़ोटो को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो भाई बाकी जिन लोगों को देखिए फ़ोटो यहाँ पर बन चुका है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये इतना अच्छा बन चुका है, चोट पे क्लिक करके फ़ोटो को जो है आप HD क्वालिटी में सेव कर लेंगे। यहाँ से देखिए हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे, फ़ोटो आपका HD में सेव हो जाएगा। अब करते हैं काम की बात। अगर भाई देखो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल के लिए एक नए यूज़र हो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड घंटे को दबाना ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दूसरी बात, अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, कोई नया सुझाव है तो वो भी मुझे नीचे बताइए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड तीसरी बात, अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।